नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए हैं और कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी होने वाली है। कई दलों ने घोषणा कर भी दी है, चिराग पासवान भी करने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक खत लिखा है, जिस खत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हम आपको तमाम पूरी खत पढ़ के सुनाएंगे। आप स्क्रीन पर वो खत देख रहे हैं जिसे चिराग पासवान ने अपने लेटर पैड पे लिखा है। प्रिय साथियों, आज आप लोगों को यह पत्र लिखते वक्त जहां एक तरफ मैं उत्साह एवं ऊर्जा से लबरेज हूं, तो वहीं दूसरी तरफ पापा के अस्वस्थ होने के कारण चिंतित व परेशान हूं। उन्हें हॉस्पिटल बेड पर उपकरणों से घिरा देख सामान्य बने रहना आसान नहीं है। हर बेटे की तरह मेरे लिए भी उनकी मौजूदगी ही मेरी ताकत है। मेरे पास उनके आशीर्वाद के अलावा अगर कुछ है तो वो है उनकी 5 दशकों की जनसेवा। बिहार और बिहार वासियों के सपने, उनके सपने को लेकर मैं लोगों के बीच जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ, लेकिन बिहार को फर्स्ट बनाने का जो सपना पापा ने बिहारियों के लिए देखा था, उसे अंजाम तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करूंगा। पापा आज मेरे साथ होते तो वो कई मुश्किलें आसान हो जाती, लेकिन मुझे पता है कि पापा को गर्व है कि उनका बेटा चिराग इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से नहीं हिला और जो बातें वह पिछले 1 वर्ष से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कहता आया है, आज भी उन्हीं बातों पर अडिग है। पापा ने हमेशा कहा है कि व्यक्तिगत हित से ऊपर पार्टी हित होता है, वह पार्टी हित से ऊपर राष्ट्रहित होता है। अगर आज राष्ट्रहित व बिहार के हित में सही फैसला लेने का यही समय है। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता में पापा के प्रति जो प्यार है वह मुझे भी मिलेगा। जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ, तब से मैंने पूरी लगन निष्ठा के साथ कार्य किया है, लेकिन अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे जिससे बिहार की खो रही अस्मिता को लौटाया जा सके। पापा का अंश हूँ, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा और न ही किसी भी कीमत पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के बीच कई वैचारिक मतभेद हैं, चाहे उनका 7 निश्चय का कार्यक्रम हो या गठबंधन में अपने साथियों के प्रति व्यवहार या बिहार में पनप रहे अफसरशाही की बात हो। प्रदेश की जनता की शिकायतों का निष्पादन न तो अधिकारी और न ही मुख्यमंत्री के स्तर पर हो पा रहा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए 4 लाख बिहारियों के सुझावों द्वारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उन्होंने अपने अगले पेज में लिखा है, मुझे खुशी है कि पार्टी ने आप सबके सुझाव पर जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाच करने के लिए लिया गया है। पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना, अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। आप सबके हमेशा मिलने वाले प्यार और स्नेह के लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। कई लोग आप लोगों के बीच आकर बिहार के विकास के लिए मेरे द्वारा लिए गए पवित्र फैसले के बारे में भ्रम फैलाएंगे कि मैंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए फैसला लिया है। आप सभी से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाली सरकार भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विधायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। पापा, मम्मी और आप सभी के आशीर्वाद से अभी लंबा सफ़र तय करना है, अभी और अनुभव लेना है। बिहार राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है। 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया 1 भी वोट कल आपके बच्चों को पलायन करने पर मजबूर करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। राह तो पिछले 3 दशकों से मेरे बिहार और बिहारियों की भी आसान नहीं रही है, तो हमारी कैसे आसान होगी।
मुझे आशा है कि मेरी ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा और संकल्प को देख आप सभी अपना आशीर्वाद लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशियों को देंगे ताकि बिहार को फर्स्ट बनाया जा सके। मैं पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें और पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत झोंक दें। आपका चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने यह एक लंबा चौड़ा खत लिखा है। इस खत के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि आगामी जो रिजल्ट आने वाला है विधानसभा चुनाव का, जो रिजल्ट होगा उसके बाद जो बिहार में सरकार बनेगी वह LJP और BJP की बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना पर एक बार फिर से हमला बोला है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है। बहुत कुछ अभी और भी सामने आना बाकी है। जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।